press the bell icon so you never miss any video from The Idiots. अरे बहुत बहुत मुबारक हो, क्या हुआ, बेटा या बेटी? माशाल्लाह से बेटी हुई। अच्छा, मेरे यहाँ भी बेटी हुई है। आपकी पहली औलाद है ये? नहीं नहीं, मेरी दूसरी बेटी है। ओह अच्छा, मेरी तो तीसरी औलाद है ये, बाकी दोनों तो बेटे हैं। अल्लाह का शुक्र है फैमिली कंप्लीट हो गई है। आपकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मेरी भी फैमिली कंप्लीट है। अरे मैं बेटे की बात कर रहा था, बेटे तो लाजमी होने चाहिए, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। और मैंने तो सोचा है कि मैं अपने बेटों को इंजीनियर बनाऊंगा और फिर रिटायरमेंट लेके आराम से एंजॉय करूंगा, और बेटियों की तरबियत तो ऐसी करवाऊंगा कि घर के सारे काम आते हों, कल को अपने घर जाना है तो कोई मसला ना हो। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि तालीम और शऊर लड़कियों के लिए भी उतना ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बस शादी करके जल्दी फारिग कर दो, जैसे लड़की कोई बोझ हो। अरे भाई, बच्ची की शादी से पहले उसकी सेहत की तसल्ली करना ज़रूरी है, और उसको कम से कम 12 जमातें तो लाजमी पढ़ानी चाहिए, इतना तो बच्ची का हक है। उल्टा हमें गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि लड़कियों के पढ़ाई के लिए अलग बजट रखें और उसको इफेक्टिवली स्पेंड भी करें। लेकिन हम लोग, खैर आपकी बेटी की डिलीवरी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन से? नहीं माशाल्लाह से मेरी तो नॉर्मल हुई। वाकई भाई, अल्लाह बचाए ऑपरेशन से, तो मेरी बेटी की डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है। हमारी जो डॉक्टर हैं, अरे मैं इन्हीं डॉक्टर की तो बात कर रहा था, माशाल्लाह से बहुत काबिल डॉक्टर हैं ये। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। भाई अम्मी को बता दीजिएगा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। भाभी जी, अगर उस दिन मेरे वालिद साहब ने ये सोच लिया होता ना कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, तो आज मेरी बहन डॉक्टर नहीं होती। क्या? कुछ नहीं, मुझे मिलवाओ अपनी बेटी से।